सिंह का, क्योंकि मनोज सिंह का गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। किशोर जी, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी। मनोज, आपका क्या असेसमेंट है? अब तो 6 चरणों का चुनाव हो गया, आपका दावा, आपकी भविष्यवाणी क्या है? मनोज बोलिए। हाँ मनोज, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मनोज, बता दीजिए, आज अपनी भविष्यवाणी दे दीजिए। देखिए अब बहुत इसमें शेरो शायरी हो गई है, और बहन ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, और जफर भाई ने एक जवाब दिया। जफर भाई ने कहा कि इनकी सीटें बढ़ेगी, तो बस एक बात से शुरू करूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, तुम्हें फिर भी यकीन है। अरे जफर भाई, जम्मू कश्मीर में कहां से सीटें बढ़ेगी? आप इतना भी पढ़ लिख करके नहीं आते, वहां 5 सीट है, उधमपुर, जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर। अरे हमारे वहां पर मित्र लोग है ना, आपके जो लोग मित्र हार जाएंगे, हमारे मित्र लोग जीत जाएंगे भाई। हमारे को अब चुप नहीं रहोगे? आपको बताया ना, लड़ ही नहीं रहे हो। हमारे मित्र लोग भी है वहाँ, ऐसा नहीं कि जेके एनएफ जीत जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। जिस राज्य के 5 सीटों में से 3 सीट समझा, अनंतनाग पर, श्रीनगर पर, बारामूला पर बीजेपी लड़ी नहीं रही है, वहां जफर भाई कह रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ेगी। अरे आप कितना व्हाट्सएप, अरे तो अरे भाई, हमारे मित्र लोग हैं कि नहीं? हमारे मित्र आपके साथ, जिनको हमने जिनको निकाला, जिनके लिए 370, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, जिनके दिल में दर्द हो रहा है, उन पार्टियों के नेता हारेंगे, और जिस पार्टी को नहीं हो रहा उनके साथ हमारा जफर भाई वन बाय वन। पहले मनोज अपनी बात कह लें। मनोज बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। पार्टी की भारतीय मानक जी, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता तो हम लोग समझते थे, क्योंकि मणिपुर न जाने वाले बेटियों को दो बजे रात में जला देने वाले, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का पेपर लीक करके भविष्य बर्बाद करने वाले, देश की सरहदों की सुरक्षा न करने वाले संवेदनहीन लोगों से संवेदना की कोई उम्मीद तो की नहीं जा सकती। लेकिन आज मैंने देखा कि विवेक शून्यता भी हो गई। जिस राज्य के 3 सीटों पर नहीं लड़े, वहां कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेगी। और जो गांधी 1931 में, पूरी दुनिया जाने, जो गांधी 1931 में जब बकिंगम हाउस पैलेस गए, तो वो गांधी से जब सवाल किया गया, किंग ने किया कि आप कपड़े कम क्यों पहने हो, उन्होंने उस राजा को जवाब दिया कि तूने पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा लूटा है। जिस गांधी ने एक समय में दुनिया के 3 मुल्कों में प्रासंगिक रहे, साउथ अफ्रीका, यूके और भारत, 3 राज्यों में जिन्होंने समता की लड़ाई लड़ी, जिस गांधी को लोहिया ने कहा कि 19वीं सदी का सबसे बेहतरीन अगर प्रकृति का कोई निर्माण है तो पूज्य गांधी हैं, उस गांधी पे विवेक शून्यता की टिप्पणी नरेंद्र मोदी ने किया, उनको कम से कम देश से और पूरी दुनिया से के मानवता भरे लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। और आप उत्तर प्रदेश के बारे में पूछें, उत्तर प्रदेश में मैंने बार बार कहा है, उत्तर प्रदेश में 50+ रहेंगे, 4 तारीख को आपसे संवाद करेंगे। अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी का मानवता भरा, संविधान परस्त और मानवीय पक्ष जो इस देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों के दिमाग में छा गया है, और सभी जानते हैं कि जो मणिपुर के बहनों को मनोज 50+ रहेगा इंडिया गठबंधन यूपी में, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन कितना रहेगा? प्लस पूरे देश में अब 50+ तो यही हो गया, तो 303 में से 50 घटा दीजिए तो कितना बचा? 253 यही आ गए अल्पमत में। पूरे देश में इंडिया गठबंधन, मेरा जो ख्याल है, कम से कम 330 रहेगा, ये नोट करिए, और ये जनमानस की रिपोर्ट है, ये जनता की रिपोर्ट है, चूंकि हम आपसे संवाद भी कर रहे हैं। अच्छा, तो जनता जी, अच्छा मनोज, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जफर भाई 1 सेकंड आ रहा हूँ, आप ही को मौका दे रहा हूँ, 1 सेकंड, एक एक करके सबको मौका दे रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जफर भाई 1 सेकंड, अरे आ रहा हूँ 1 सेकंड आप ही के पास आ रहा हूँ, रुकिए ना 1 सेकंड, बस रुकिए। मनोज, आपकी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, और आप जिस जोश से अपनी बात डिबेट में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रैली में अभी अभी भाषण देके आ रहे हैं आप। हाँ, मैं अभी भाषण देके ही आ रहा हूँ, है ना? मुझे पता लग गया। मैं इस महीने बहुत सारे पीड़ा से व्यक्तिगत गुजरा हूँ मानव भाई, हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ जमीन की बात कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं। अभी हम लोग जब जा रहे हैं ना, जनता ये जानना चाहती है कि आपने 10 सालों में उनके जीवन में क्या अमूलचूल परिवर्तन लाए, जो 8,000 करोड़ के जेट से चलेंगे अपने दृष्टिकोण से ही। ठीक है, ओके ओके मनोज, 50+ आप बता रहे हैं यूपी में, और आप कह रहे हैं 330 से ज्यादा इंडिया गठबंधन की पूरे देश में आएगी। जफर भाई बोलिए जल्दी से।
देखिए बस थोड़े से बात कर रहे, चूंकि मनोज काका जी ने पूछा तो पहले उस सवाल का जवाब दे देते हैं। हम लोगों को बच्चे के पैदाइश से लेकर उसकी पढ़ाई से लेकर उसके इस नौकरी से लेकर रोजगार से लेकर गरीबों के घर से लेकर जिसके पास छत नहीं उसके छत, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं उसके बिजली पानी सड़क सब देने के साथ अच्छे स्वास्थ्य, उसके बाद आयुष्मान भारत से उसको इलाज का सुविधा और साथ साथ जो है उनको राशन भी पहुंचाने का काम किया और उनको देश को मजबूत, देशवासियों को मजबूत किया है, ईज ऑफ लिविंग में जो है ये किया और देश को बहुत मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया। ये जनता जानती है, आपको समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता समझती है इस बात को। अब ये खाली बोलिए, इतने बड़े बड़े आंकड़े बोल दिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमने तो प्रूफ करके दिखाया और बोल रहे हैं बार बार। आपने बोला है जो कभी आया ना कभी आएगा, उस नंबर को बोला है आपने, तो मैं मनोज काका जी से और रागनी बहन दोनों से पूछ रहे हैं कि जब हारेंगी लुढ़केंगी आप लोग, इसलिए कि कमजोर तो और भी हो गई सपा, जब कांग्रेस ने उसके कंधे में बैठी तो और कमजोर हो गई, भार उठाने की क्षमता नहीं थी, हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, जो सुना है वही हो, पहले भी हुआ अभी भी होगा, तो क्या हार का ठिकाना कहां फोड़ेंगे? राहुल गांधी पे, ईवीएम पे, रिजल्ट आता है इसके बाद फोड़िएगा हार का ठिकरा, अभी पूछ लीजिए किशोर तिवारी, नहीं एक सेकंड, कम से कम न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस का इंतजार कर लीजिए, एक तारीख का वोटिंग खत्म होगी, एग्जिट पोल्स आएंगे, तब थोड़ी तस्वीर पता चलेगी। किशोर तिवारी,